हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नगेट लॉलीपॉप। उसके लिए 4 मीडियम साइज़ के आलू लूँगी बॉइल्ड, और उसे मैश करेंगे, और स्वीट कॉर्न लेंगे हम आधा कप से भी कम बॉइल्ड, वो भी बॉइल्ड, दो 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 पीस कटे हुए। और बॉइल्ड काबली छोले लेने हैं, एक कटोरी से थोड़ा कम, थोड़ी से ज़्यादा ले सकते हैं। उसे भी हम ऐसे मैश कर लेंगे। अब सब सबको एक साथ मिलाने के लिए हमने इसे बड़े बाउल में डाल लिया है। अब हम लेंगे ज़रा सी काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, जितना आप जैसे आप खाते हो तीखा उसके अकॉर्डिंग। चाट मसाला मैंने डाला है, आप चाहो तो आमचूर है तो आमचूर भी ले सकते हो। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ली है आधे से भी कम चम्मच, आप बारीक काट के भी ले सकते हो जिंजर गार्लिक। गाजर बहुत ज़रूरी नहीं है, मैंने ज़रा सी डाली है, आप चाहो तो इसे नहीं भी ले सकते हो, नहीं डाल सकते हो। ये अगर आपको दिल नहीं पसंद है तो नहीं डालो। ब्रेड हमने लेनी है, तीन तीन ब्रेड लेंगे, 2 से 3। अगर आलू ज़्यादा चिपचिपे हैं तो ब्रेड ज़्यादा लगेगी। ब्रेड के कॉर्नर्स काट लेंगे और उसे अच्छी तरह से मसल मसल के इस तरह से हम मसलेंगे, और पूरा जैसे आटे का डो तैयार करते हैं उस तरह से तैयार करेंगे। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, और ऑरिगेनो भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ काबली छोले लिए हैं, आप काबली छोले की जगह काले चने भी, बॉइल्ड काले चने भी ले सकते हो। देखिए ये तैयार हो गया है पूरा। अब हम बना के देखेंगे बन रहे हैं। हाँ जी, ये तो बन रहे हैं बिल्कुल। अगर नहीं बने तो फिर हम ब्रेड और भी ले लेंगे, पर ये बिल्कुल सही बने हैं। इसकी शेप आप जैसे मर्जी दे सकते हो, मैं पूरी आइसक्रीम वाली शेप दे रही हूँ। ये स्टिक हमने लगा के, आइसक्रीम स्टिक लगा के अच्छे से दबाना है, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये निकले ना। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। इसके लिए हम एक घोल तैयार करेंगे, जिसमें हम ये डिप करेंगे, जो ये लॉलीपॉप बनाए हैं इसके लिए घोल बनाएंगे हम। आरारोट के पाउडर, आरारोट का पाउडर होगा 3 से 4 चम्मच आरारोट पाउडर लेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना घोल हमें गाढ़ा या पतला, जिस तरह से हमने बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही हम पानी लेंगे। इसमें हम 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच मैदा लेंगे। मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है तो मैंने 1 चम्मच ही लिया है मैदा। ये तैयार हो गया है, अब हम फ्राई करेंगे। बिना घोल लगाए मैं एक वैसे ही फ्राई करूँगी, इसमें मैंने घोल नहीं लगाया, मैं वैसे ही फ्राई करूँगी इसे। बाकियों में पूरा घोल मैं घोल में डिप करूँगी, और उसकी पूरी घोल की कोटिंग होगी उस पर इस तरह से चारों तरफ लगाएंगे। दोनों ही अच्छे बनेंगे, दोनों ही क्रिस्पी बनेंगे, बिना घोल के और घोल के, घोल में डाल के जो बनाए वो भी। बिना घोल में डाल के जो मैंने बनाया उसे हम माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। इसके साथ ये फ्राई हो रहे हैं, मैं साथ के साथ सॉस बनाती हूँ जिसमें हमने लॉलीपॉप डिप करने हैं।
ये फ्राई हो चुके हैं, देखिए बाकी मैं बनाती जाऊंगी साथ साथ, और दूसरी साइड में सॉस बनाना भी बताऊंगी आपको कि लॉलीपॉप, जिस लॉलीपॉप के साथ जो सॉस बनानी है हमने, जिस पे ये लपेटने हैं, सॉस बना रहे हैं। 1.5 से 2 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल लूँगी और बारीक कटे हुए लहसुन 3 से 4, इसे हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ना रहे। इसमें मैं शेजवान सॉस डालूंगी, अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप हॉट एंड चिली सॉस होती है वो यूज़ कर सकते हो। देखिए हमने इसे फ्राई बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, दो चम्मच मैंने लिए, 2 बड़े चम्मच सेजवान सॉस, और 1 बड़ा चम्मच मैं लूँगी टमाटो सॉस का। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1 छोटा चम्मच मैं लूँगी सोया सॉस, नमक अगर ज़रूरत हो तो नमक भी डाल सकते हो आप इसमें, ये 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और जो हमने पेस्ट घोल तैयार किया था कॉर्नफ्लावर और सॉरी कॉर्नफ्लावर नहीं अखरोट पाउडर और मैदे का, वो थोड़ा सा है मेरे पास, मैं वही डाल रही हूँ इसमें, 1 से 1.5 चम्मच। इससे सॉस अच्छी बनेगी और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। आप चाहो तो सॉस पहले भी बना के रख सकते हो और गरम गरम लॉलीपॉप इसमें डिप करके सर्व कर सकते हो, पर हमारी सॉस गर्म है बिल्कुल। इस तरह से लगाना है चारों तरफ। से हमने सारे इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमारा बिना घोल के जो हमने बनाया था सबसे पहला वाला, बिना घोल लगाए ये वो एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बना है ये भी। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, वैसे तो विदाउट सॉस ही बहुत अच्छी लगेंगे आपको। ये देखिए